देखिए दोस्तों, आज मैं एकदम अलग तरीके से अंडे की हैचिंग करने वाला हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, इसके लिए एक जो है ये थर्मामीटर चाहिए, और आप अंडे ले लीजिए और ये कोई से भी डब्बा काट लीजिए, इसमें पानी थोड़ा सा रख लीजिए। मैंने कोका कोला का बोतल काट लिया है। उसके बाद एक डब्बा ये चाहिए ऐसा वाला। उसके बाद उसमें आप जो है भूसा होता है भूसा रख दीजिए, या कोई भी खर कबार रख दीजिए। उसके बाद इसमें जो है अंडे अंडे पे देखिए, एक ख्याल कीजिए, एक तरफ माइनस तो एक तरफ प्लस जो है निशान लगा लीजिए, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस। आप एक तरफ का रखिए या तो प्लस या तो माइनस, मैं ये सब सारा प्लस की तरफ रखता हूँ। और इसको जो है हर 2 से 3 घंटे में आप लोगों को एक बार माइनस का प्लस, प्लस का माइनस उल्टा करना पड़ेगा। देखिए, ये रख दिया अंडे और ये रख दिया एक साइड में थोड़ा सा पानी डब्बे में। ये हो गया पानी, पानी जरूरी है, पानी जरूर रखना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये जो थर्मामीटर है आप इसको इसी में रख दीजिए। इससे इसमें जो पारा लगा हुआ है उसका वो टेम्परेचर बराबर उसको मिलता रहेगा। कभी भी आप इसको ऑन करके देखोगे तो ये बता देगा कितना टेम्परेचर है। और ये अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी में जो है टेम्परेचर अच्छा होता है अंडे के लिए, अंडे की हैचिंग के लिए 40 तक का होगा तो भी चलता है। इसमें रख दीजिए थर्मामीटर, उसके बाद इसको ढक्कन को कवर कर दीजिए। अब मैं आपको धीरे धीरे इसकी अपडेट दिखाऊंगा, 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद, उसके बाद फिर डायरेक्ट 18 दिन बच्चा होने के बाद दिखाऊंगा आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स, आज 6 दिन हो गए हैं और इसमें बच्चा देखिए हो गया है। देखिए बारीक बारीक रगें दिख रही हैं, एक हल्का सा काला सा देखिए बच्चा दिख रहा है। देखिए ये दूसरा अंडा, इसमें इसमें भी देखिए बच्चा ये दिख रहा है काला सा। ये 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन या 6 दिन हो गए हैं। दूसरा भी दिखाता हूँ एक, देखिए इसमें भी हो गया बच्चा। देखिए इसमें भी बच्चा हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए दोस्तों, अभी जो है 12 दिन और लगेगा, इसमें बच्चा निकल जाएगा। और इसको देखिए घुमाते रहना पड़ेगा आप लोगों को, इसका ख्याल रहे। इस तरह अंडे को जो है आप जो है इसे घुमा देते रहना, और अंडे पे जो है माइनस प्लस का निशान बना देना, एक बार माइनस पे करना एक बार प्लस पे करना। हर 1.5 घंटे 2 घंटे पे आप घुमा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी है जो है हमारा देसी इनक्यूबेटर, बिना लाइट और बिना जो है किसी कार्ड के, आप देख सकते हैं। देखिए इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, ये खाली गर्मी के टेम्परेचर से जो है ये हो रहा है बच्चा उस पर। चलिए दोस्तों, फिर बच्चा होने के बाद मैं आप लोगों को वीडियो दूसरी बना के दिखाऊंगा, ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप लोगों को दिखाने के लिए।